कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CIM डिजाइन सॉल्यूशन को और करें अपने गैड CAMC NIE सर्टिफिकेशन का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे मेरा जो स्लाइडर है, आपका जो कार्ड स्लाइडर है जो कार्ड पे चल रहा है, यहाँ पे देखो किस तरीके से जो है स्लाइडर यहाँ पे एनिमेट हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा मूवमेंट हो रहा है 115 mm का जो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। और देखो यहाँ पे कार्व स्लाइडर है, आप देख पाओगे यहाँ पे जो स्लाइडर चल रहा है कार्व, देख पा रहे हो किस तरीके से यहाँ पे, देखो किस तरीके से यहाँ पे कार्व स्लाइडर इजेक्शन हो रहा है। यहाँ पे मेरा फिंगर कैप जैसे जैसे मूव कर रहा है, यहाँ पे देखो क्या रोटेशन हो रहा है, क्या लिमिट दे रखा हो, यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे एंगल जो है निकल जा रहा है आपका, यहाँ पे कार्व स्लाइडर जो है यहाँ पे कॉम्पोनेंट से आपका निकल गया। हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही बढ़िया वीडियो है। आज का जो वीडियो है यहाँ पे आप देख पाओगे, ये मेरा जो है डिस्पेंसर कैप है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कंपोनेंट दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरा जो कंपोनेंट है, यहाँ आप देख पाओगे डिस्पेंसर की जो है कंपोनेंट है। और सबसे यहाँ पे सीखने वाले चीजें जो है ना, यहाँ पे देखो आपकी थ्रेड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल थ्रेड्स है और इंटरनल ग्रुप्स है। जो आप कंपोनेंट देख पा रहे हो इसमें आपके एक्सटर्नल थ्रेड्स है और इंटरनल ग्रुप है। तो यहाँ पे थ्रेड्स को तो हमको निकलने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है। तो इसके लिए यहाँ पे हम जो है अनस्क्रू मोल्ड का यूज करेंगे, ठीक है। अनस्क्रू मोल्ड के साथ अगर मैं यहाँ पे आपको सेक्शन काट के दिखाऊं, आपने शायद पहले इस तरीके से मोल्ड डिजाइन नहीं करा होगा, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे कार्व पे स्लाइडर है, कोई एंगुलर नहीं है, कोई स्ट्रेट नहीं, यहाँ पे कार्व पे स्लाइडर है। तो कार्व स्लाइडर जो होती है उसके लिए आपको क्या मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा पूरा वीडियो में बताऊंगा। एक्सटर्नल थ्रेड से इसको रिलीज करने के लिए क्या करूंगा, और यहाँ पे देख पा रहे हो आपके इंटरनल ग्रुप है, तो इसको हम कैसे इजेक्ट करेंगे, पूरा जो वीडियो होने वाला है आज मैं वही बताने वाला हूँ। और इसके साथ मैं आपको पूरा एनिमेशन करके दिखाऊंगा कि ये जो है किस तरीके से एनिमेट होकर काम करेगा, पूरा मैकेनिज्म आपको यहाँ पे समझाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये जो वीडियो है इसको मैं जो है पेड क्लासेस में सिखाता हूँ। कंप्लीट डिजाइन जो है यहाँ पे आपको मैं एक डेमो वीडियो दे दूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरा मोल को ले आते हैं। और दोस्तों जिसने भी मेरा अपना एप्स वगैरह डाउनलोड नहीं करा, जाके एप्स डाउनलोड कर ले, क्योंकि मैं जो है नया अपना एप्स लॉन्च करने वाला हूँ और इसमें कुछ कंटेंट वगैरह जो है मैं अभी अपलोडिंग पर चल रहा है, तो तुरंत ही जो है ये लॉन्च हो जाएगा और आपको बहुत सारा वीडियोज वगैरह मिल जाएंगे, बहुत सारा कोर्स वगैरह मिल जाएंगे, जिसमें आपको अलग अलग से ऑफर भी मिलेंगे। तो जिसने भी ये डाउनलोड नहीं करा, आपको गूगल प्ले स्टोर में जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए और जल्दी ही जो है आपको iOS में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जिसने भी डाउनलोड नहीं करा, सबसे पहले जाके तुरंत इस जो ऐप से आपको डाउनलोड कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। आपको फ्री मटेरियल मिलेंगे, आपको जॉब अपडेट वगैरह मिलेंगे, तो सारा चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो जिसने भी आपको ऐप डाउनलोड नहीं करा, ऐप जाके डाउनलोड कर ले, क्योंकि तुरंत जो है ये लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे बनाया हमने पूरा असेंबली में बनाया, यहाँ पे जो है पूरा मोल बेस है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो पूरा स्लाइडर मैकेनिज्म है, यहाँ पे आपकी इजेक्टर असेंबली है, यहाँ पे आपकी इमेज असेंबली है, और यहाँ पे आपकी कोर असेंबली है, और यहाँ पे आपकी केविटी असेंबली है, और ये आपका पार्ट है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको मोल के बारे में बताऊँ, तो सबसे पहले आपको केविटी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे केविटी देख पा रहे हो किस तरीके से मेरा यहाँ पे केविटी है, यहाँ पे मेरा स्क्रू बूस है, और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो मेरा जो है यहाँ पे 12 KBT का है, ठीक है। कॉम्पोनेंट जो है यहाँ पे मेरा 12 KBT का बना रखा हूँ। और इस तरीके से जो कूलिंग है, यहाँ पे कूलिंग देख पा रहे हो मैं किस तरीके से कूलिंग हो रहा है, यहाँ से इन होके इधर से आपको आउट होके निकल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम एक ड्रिल करेंगे। अब ड्रिल करेंगे तो बीच में आपको डिवाइडर देना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये डिवाइडर है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइडर क्या काम करेंगे, इधर से जैसे कूलिंग इन होके इधर से आउट हो जाएगा कि इधर के पास फ्लो ना हो, तो यहाँ पे हमने इसमें डिवाइडर ठोक दिया है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से यहाँ पे पार्टिंग है, पार्टिंग आप देख पा रहे हो कॉम्पोनेंट के हिसाब से मैंने यहाँ पे पार्टिंग बना रखा हूँ। अगर मैं इसकी कोर की बात करूँ तो मैं आपको कोर असेंबली दिखा देता हूँ, और मैं यहाँ जो केवीटी असेंबली है उसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे कोर असेंबली में मैं कूलिंग जो कर रखा हूँ, यहाँ पे देख पाओगे आप बफेल कूलिंग कर रखा हो, यहाँ पे बफेल में डाल रखा हो, और यहाँ पे जो कूलिंग है नीचे से हो रखा है, ठीक है। यहाँ पे ओरिंग वगैरह डालना पड़ेगा, इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना रखा हूँ कि ओरिंग वगैरह कैसे डालना है, क्या स्टैंडर्ड रखना है, इसके बारे में वीडियो बना रखा हूँ। तो आप जाके देख सकते हो, कुछ पर्सन जो है आपकी कोर पे रहेगा, कुछ पर्सन जो है आपकी इंसर्ट पे रहेगा, हाउसिंग के साथ रहेगा कुछ पर्सन, और आपके कुछ पर्सन इंसर्ट के साथ रहेगा। देख पाओगे ये जो है बफेल है, यहाँ पे भी मैं डिवाइडर दे रखा हूँ। तो इस तरीके से जो है हम इसकी प्रॉपर कूलिंग करेंगे। अगर मैं कूलिंग को हाइड कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख पाते हो, यहाँ पे आप गियर देख पा रहे हो, स्पार्ट गियर वगैरह देख रहे हो। तो ये जो पार्ट है ये बेसिकली अनस्क्रू मोल्ड के लिए, आपको मैं अगर हाइड कर दूं कंपोनेंट के साथ, आप देख पाओगे सेक्शन काट के, यहाँ पे हम सेक्शन काट देते हैं, तो सेक्शन काटने से आपको पता लगेगा, अलग अलग से हम सेक्शन कोई भी एक सेक्शन काट देते हैं, यहाँ पे ये वाला सेक्शन काट देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे थ्रेड्स है, तो यहाँ पे जो आपकी एक्सटर्नल थ्रेड्स है उसको रिलीज करने के लिए यहाँ पे जो है मुझे गियर मैकेनिज्म लगाना पड़ रहा है। और बीच में देख पाओगे यहाँ पे भी स्टेप है, तो ये जो स्टेप है इसको इजेक्ट करने के लिए होता है। यहाँ पे एक पिन इजेक्शन रहेगा, ठीक है, जिसको ग्रुप को इजेक्ट करने के लिए, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। और यहाँ पे ये थ्रेड्स है और ये जो है इंसर्ट है, ठीक है। अब इसको जो हम कैसे इसको जो हम आगे बनाएंगे उसका भी आपको मैं दिखा देता हूँ।
इसके बाद जो है मैं यहाँ पे इसको हाइड करके इसको मैं ले आता हूँ। इनके बाद जो यहाँ पे मैं मेश असेंबली को ले आता हूँ। मेश असेंबली में क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैं मोटर लगा रखा हूँ, और जो यहाँ पे मोटर है, मोटर किससे ड्राइव कर रहा है, आपकी बेल से ड्राइव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोलिक मोटर रहेगा। ये अगर मैकेनिज्म मैं आपको समझाऊं, मैं कोर को हाइड कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये गियर जो एक्सुएट गियर है, इसके साथ जो है आप देखो यहाँ पे गियर है, ऊपर बियरिंग लगा रखा हो, ये ऊपर जो है आपका सभी बियरिंग है, अलग अलग साइज का आपको अलग अलग बियरिंग मिलेंगे, जिसके जो है यहाँ पे गियर जो है एक्सुएट हो रहा है, जिसके थ्रू आपकी जो है यहाँ पे कॉम्पोनेंट जो है, जो आपके थ्रेड्स है वो आपके रिलीज होंगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं इजेक्टर का बात करूँ, तो यहाँ पे देखोगे इजेक्टर कैसे लगा रखा हो, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा। तो देखो यहाँ पे कॉम्पोनेंट के बीच में मैं इजेक्टर लगा रखा हूँ, जो यहाँ पे इजेक्टर है ये पार्ट को इजेक्ट करेगा। जैसे आपकी ये स्लाइडर रोटेट होगा, उसके बाद जो है आपके जैसे गियर आपकी अनस्क्रू हो जाएगा, उसके बाद जो है यहाँ पे कंपोनेंट की इजेक्ट होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे स्टेप पिन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपोनेंट की हाइट है बहुत कम है, जहाँ पे हाइट कम होते हैं वहां पे स्टेप पिन देना पड़ता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आपकी 2.5 का स्टेप पिन है, और बीच में जो यहाँ पे पिन देख पा रहे हो, ये जो आपका रनर होता है, रनर को इजेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमने पिन डाल रखे, ठीक है। अगर मैं उसको हाइट करके मैं स्लाइडर असेंबली दिखाऊं, तो स्लाइडर असेंबली में आप यहाँ पे ये देख पाओगे, ये जो मैकेनिज्म है ये कैसे चलने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, कार्ब में चलने वाला है। पूरा एनिमेशन करके आपको मैं दिखाऊंगा वीडियो में किस तरीके से चलने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो सबसे पहले अगर हम सर्कल देखते हैं, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा गाइड रेल है, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये मेरा जो फिंगर गेम की ब्लॉक है, इस ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक के साथ ये अटैच रहेगा, आपका जो स्लाइडर ब्लॉक है इसके साथ अटैच रहेगा, और क्या रहेगा यहाँ पे जो है आपकी साफ रहेगा, साफ के साथ ही अटैच रहेगा, ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हिल ब्लॉक हो गया, हिल ब्लॉक को हम ऊपर चले जाएंगे, हिल ब्लॉक को अभी यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ब्लॉक है, जो आपकी स्लाइडर ब्लॉक है, इसके साथ एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े, तो इसके लिए हम जो अलग से स्प्रिंग मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा। और नीचे आप देख पा रहे हो, क्योंकि ये मूविंग एरिया होने वाला है, स्लाइडर ब्लॉक जो मूव होगा, अगर ये मूव होगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होगा, फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो इसलिए हम क्या करेंगे, इधर पे एक जो है आप वेयर प्लेट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक वेयर प्लेट लगा रखा है, और ये जैसे आपकी ये जो स्लाइडर है, ये जैसे एक सर्टेन एंगल पे रोटेट करेगा, उसको गाइड करने के लिए यहाँ पे हमने ग्रूव बना रखा है। इसकी कैलकुलेशन होता है, ये जो कैलकुलेशन होता है, इसके लिए आपको जो है पेड क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना पड़ेगा, पूरा मैं प्रॉपर बना के दिखाऊंगा आपको, क्योंकि यहाँ पे एक घंटे के वीडियो में सारा चीजें बना के दिखाना मुश्किल होता है। यहाँ पे ये सर्टेन एंगल पे रोटेट करेगा, ये एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। इसके बाद जैसे ये शाफ्ट होता है, मैं इसको अगर हाइड करके आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पे जो है इसके डायरेक्शन में ये गाइड होगा। अब ये गाइड कितना डिग्री होगा, ये गाइड होता है आपकी फिंगर गेम की मूवमेंट के ऊपर। अगर मान लो मैं यहाँ पे 115 mm का मैं रखा हूँ, यहाँ पे 115 mm मेरा फिंगर गेम मूवमेंट होगा, तो 115 mm पे ये जाके यहाँ पे नीचे तक आ जाएगा, कैलकुलेशन होती है। आपको इसके लिए जो है पेड क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना पड़ेगा। इसी तरीके से मूल टिपिकल टिपिकल मूल आपको शायद कोई एंगल पे स्लाइडर नहीं सिखाएगा, कोई भी ऐसे एंगल पे एंगुलर कार्व पे स्लाइडर आपको नहीं सिखाएंगे। तो मेरा जो कोर्स होती है उसमें मैं आपको कार्व वाला भी स्लाइडर सिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से ये रोटेट होगा, किस एंगल पर रोटेट होगा, इसके एनिमेशन वीडियो दिखाऊंगा तो आप पूरा कहानी समझ जाओगे। यहाँ पे आपको मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पे इसको मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, सो दैट आप लोग समझ पाओ। यहाँ पे देखिए किस तरीके से हमने माउंट कर रखा है, यहाँ पे इंसर्ट से हम जो है इसको माउंट कर रखा है, यहाँ पे देखिए किस तरीके से हमने यहाँ पे माउंट कर रखा है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये फिंगर के ऊपर जाएगा ना, तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो ब्लॉक होगा ना, ये ब्लॉक क्या करेगा, पीछे मूव करेगा। अब ये पीछे में मूव करेगा तो यहाँ पे स्प्रिंग भी अपना एक्स्ट्रा जो सपोर्ट देंगे, बहुत बढ़िया चीज है। अब ये गाइड रेल के साथ क्या होने वाला है, गाइड रेल के साथ ये रेल होने वाला है, मतलब ये मूव करने वाला है। और इधर भी हम देखते हैं ना, तो इधर पे भी देखिए, इधर पे भी हमने यहाँ पे टी बना रखा है, तो ये टी की वजह से देखिए यहाँ पे भी जो हमने टी बना रखा है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, इधर भी आपका रेल हो रहा है, इधर भी आपका रेल हो रहा है। अब ये टी क्या करेगा, ये तो फिक्स ब्लॉक है, अब ये आपका फिक्स है, ये फिक्स क्यों है, ये जो है आपकी कोर जो हाउसिंग है उसके साथ ये माउंटिंग हो रहा है, देखिएगा कोर हाउसिंग के साथ ये माउंटिंग हो रहा है। तो ये वाला जो ग्रीन ब्लॉक है ये आपका फिक्स रहेगा, ग्रीन ब्लॉक फिक्स रहेगा, तो ये जो आपकी स्लाइडर का जो ब्लॉक है ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा आपकी किस डायरेक्शन में, ये जो एक्स डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, ठीक है। अब ये मूवमेंट करेगा तो आपको ध्यान रखने वाली बात क्या होता है, जैसे ये मूवमेंट करेगा तो ये फिक्स है, ये आपका तो फिक्स है। अब ये मूवमेंट करेगा तो अब देखो, अब मूवमेंट तो कर रहा है, अब मैं इसको हाइड करके दिखा रहा हूँ, जैसे ये मूवमेंट करेगा ये पीछे जाएगा, पीछे जाएगा तो ये क्या होगा, ये तो इस जो ये पिन जो है ना इसकी अंदर ही रोटेट करना चाहिए, इसके लिए क्या करूंगा। आप देखो अब तो कॉन्फ्यूजन आपकी दिमाग में आ गई कि भाई ये जो आपका फिंगर कैम है, ये जो फिंगर कैम है ये जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे, यहाँ पे जो मैंने पिन शाफ्ट लगा रखा हो इस स्लाइडर के साथ, ये इसके अंदर कैसे रोटेट करेगा, ये तो बहुत टिपिकल वाली बात हो गई।
लेकिन ये तो गाइड में इसके साथ हो रहा है और ये जो कैम है ये इसके साथ इस डायरेक्शन में मूव होगा। अगर ये इस डायरेक्शन में मूव होगा तो ये इसको इस डायरेक्शन में मूव करवाना है। इसके लिए जो ये पूरा मैकेनिज्म लगा रखा हो आपको मैं वीडियो में आपको एनिमेशन में समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा एनिमेशन में आपको समझा देता हूँ। मैंने आपको बताया मेरा जो फिंगर कैम होने वाला है ये 115 डिग्री मूव करने वाला है, तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मेरे देखिए कितना रखना है, 115 डिग्री का रखा हूं मैं, इसको एनिमेट कर दे रहा हूँ। देखो किस तरीके से ये, देखो किस तरीके से ये हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, देख पा रहे हो आप ये किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। 115 एमएम में ही रुक जाएगा, लिमिट हो गया। अब उसके बाद जैसे मेरा यहाँ पे लिमिट लिमिट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 115 एमएम से ऊपर जाएगा तो क्या हो, यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे लिमिट लेस लगाना पड़ेगा कि 115 एमएम से ऊपर ये ना खोले। और 115 एमएम में आपको ये भी देखना है, जैसे मैंने 105 एमएम बना रहा हूँ, आपको ये भी देखना है कि 115 एमएम में आपके पार्ट भी इजेक्ट हो जा रहा है कि नहीं, आपको ये भी देखना होता है। ये बहुत बढ़िया मैकेनिज्म है, ये बहुत बढ़िया मैकेनिज्म है, अगर आप लोगों को सीखना है तो सीख सकते हो। पूरा मैं कॉन्सेप्ट में बताऊंगा पूरा, यहाँ पे मैकेनिज्म आप देखते हो ना, तो किस तरीके से यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको चलाना है। यहाँ पे मैं मूव कंपोनेंट ले लेता हूँ, इधर साइड देखो भी आपको भी समझ में आ जाएगा। दो तीन अलग अलग व्यू में आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कितना एमएम का कर रहा हूँ मैं, 115 एमएम का कर रहा हूँ। देखिए किस तरीके से यहाँ पे मूव हो रहा है। अब ये यहाँ पे जो ये सरफेस है ना जो कोर इंसर्ट में, ये इसको गाइड करेगा। देखो ये ऊपर चला जाएगा 115 एमएम का, ये पीछे आ रहा है, ये स्प्रिंग यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, और उसके साथ देखो आपका अंडर कट भी रिलीज हो गया। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म यहाँ पे चलने वाला है पूरा, यहाँ पे ये मैकेनिज्म चलेगा। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से आपको कोर दिखाऊं, ओनली अगर मैं यहाँ पे कोर दिखाऊं, देखो कोर किस तरीके से हमने बना रखा है। यहाँ पे कोर भी आपको सपोर्ट देना पड़ेगा, देखो यहाँ पे कोर भी सपोर्ट देना पड़ेगा। अगर आपको अलग से इंसर्ट भी लगाना है तो आप अलग से इंसर्ट भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे अलग से इंसर्ट लगाने पे फायदा क्या होती है, क्योंकि वो हार्ड मेटेरियल होती है और जो यहाँ पे ये एमएस का रहता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर इंसर्ट डालते हो बाद में जैसे हम लोग के पार्ट में मॉडिफिकेशन हुआ उसमें हमने जो इंसर्ट डाला है वो भी हमने सेम मेटेरियल का डाल रखा है। तो ये कॉन्सेप्ट से आपको पूरा जो इसमें कहानी जो है आप बना सकते हो, बहुत बढ़िया टूल है। आप इसके यूज से जो है आप कार्व स्लाइडर सीख सकते हो, कैसे बनाना है, क्या कैलकुलेशन है, इसके लिए आपको जो है क्लास ज्वाइन वगैरह कर सकते हो। अभी नया एप्स भी लॉन्च हो गया, आपने शायद डाउनलोड कर लिया होगा, वहां पे भी आपको सारा चीजें मिल जाएगा। जिसको भी अगर क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको एप्स के थ्रू भी ज्वाइन करना है तो आप एप्स के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया। कुछ क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर मैं इसके सेक्शन वगैरह आपको करके दिखाऊं तो आपको एक बार सेक्शन भी मैं दिखा देता हूँ कि सेक्शन वगैरह आपको किस तरीके से रहेगा, तो सो डेट आप यहाँ पे समझ पाओ। यहाँ पे हम सेक्शन दिखा देते हैं आपको, ये वाला सेक्शन देख लो आप समझ जाओगे कि किस तरीके से। देखो यहाँ पे इजेक्टर असेंबली है, यहाँ पे जैसे मोल आपका एक्सटर्नल थ्रेड जो है यहाँ पे अनस्क्रू हो जाएगा, अनस्क्रू होते ही क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे बियरिंग भी दे रखा हो। देखो जहाँ पे स्टेप है, जहाँ पे स्टेप है वहाँ पे बियरिंग देना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे बियरिंग जो है ना, बियरिंग शूटिंग होती है, एक टॉलरेंस होती है। अगर आपने अनस्क्रू मोल वगैरह बनाया हो आपको पता होगा बियरिंग शूटिंग के लिए आपको जो है बियरिंग शूटिंग टॉलरेंस बोलते हैं इसको, आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और यहाँ पे हम नीचे से कभी कभी ना एक पट्टी भी लगाते हैं कि बियरिंग को इजेक्शन करने के लिए, कभी मान लो बियरिंग डेमेज हो गया उसको इजेक्शन करने के लिए हम यहाँ पे अलग से पट्टी भी डालते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं होल भी डालते हैं 5-6 mm का, जिसमें पिन डाल के ठोक के उसको निकाल देते हैं। तो बहुत सारा तरीका है आपको कैसे, अगर आपको प्रोसीड करना है बहुत तरीका है। जिसने भी अनस्क्रू मोल वगैरह सीखा है मेरे से उसको पता होगा। अब यहाँ पे देखो कैसे पिन जो है यहाँ पे कनेक्टेड है, और यहाँ पे थ्रेड खोलेंगे, यहाँ पे स्टेप पिन है, तो यहाँ पे मेरा स्ट्रोक है, स्ट्रोक के लिए यहाँ पे आपको फ्री रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी ये वाला स्ट्रोक है, देखो ये यहाँ पे भी देखो किस तरीके से मैं स्ट्रोक वगैरह लगा, क्योंकि 0-0 नहीं रखना है आपको, यहाँ पे फ्री क्लियरेंस वगैरह देना पड़ेगा। तो आज का वीडियो में इतना ही है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। जिसको भी पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है 1 तारीख से जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि अभी 2 सीटें खाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।